हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको इस मूवी के अननोन 5 फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं टॉप 5 विद विशाल। ये फिल्म हमें इस साल 6 मई 2022 को हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, अगर ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा टांग ना रहे तो। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो आगे की एमसीयू की मूवीज में भी दिखाई देगी। इस कैरेक्टर का नाम है अमेरिका सेवेज। इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम है रोटेल गोमेस। इस मूवी की स्टोरी लाइन इस मूवी के नाम से ही पता लग जाती है। इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे अलग अलग वर्जन भी देखने को मिलेंगे और हमें एक झलक व्हाट इफ वाले डॉक्टर लसन स्ट्रेंज की भी मिल ही चुकी। इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो हमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में दिखाई देंगे, रोटेल गोमेज अमेरिका सेवेज के रोल में, एलिजाबेथ ओल्सन वांडा के रोल में, रचल मैक एडम्स क्रिस्टीन पाल्मर के रोल में और बेनेडिक्ट वोंग हमें वोंग के रोल में नजर आएंगे। और इसके अलावा चैडविक बोसमैन ही हमें बैरन मोर्डो के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन अब की बार ये नेगेटिव रोल में हो गए। इस मूवी में सब लोगों का मानना है कि मोर्डो मेन विलन है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस मूवी का टाइटल पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा कि इस मूवी का मेन विलन टाइम यानी समय होगा, जो हमारे डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल भी बचा नहीं होगा। मैंने ऐसी और भी वीडियो बनाई है, जाके चेक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।